الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. हम सबको जितनी जल्दी हो सके कुरान की तरफ लौट जाना चाहिए। कुछ नहीं आता तो पढ़ना सीख लो, पढ़ना आता है तो समझना सीख लो, और समझ में आ जाए तो समझाना सीख लो। दुनिया की ये पहली और आखिरी किताब है, फर्स्ट एंड लास्ट, कि एक शब्द भी बदला ना जा सका। ये कुरान है, ऐसा संविधान है, कलामे रहमान है, जो न माने बेईमान है। वैसे हम ईमान लाए हैं अल्लाह की हर किताब पे, हमारा ईमान है अल्लाह के सारे रसूलों, آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله سارے رسولوں پر ہم ایک ہی رسول کے امتی ہیں، مانتے سارے رسول کو، ہم کلمہ پڑھتے ہیں ایک ہی نبی کا، مانتے ہیں ہر نبی کو، तो फिर भटक क्यों गए? हम मुरीद होते हैं एक वली से, मानते हर वली को है। बंटवारा जब वलियों में नहीं तो मुरीदों में क्यों हो रहा है?
एक ही नबी का कलमा पढ़ेंगे, मानेंगे हर नबी को, एक ही वली से मुरीद बनेंगे और मानेंगे हर वली को। व्यापक दृष्टिकोण होना, ना समझ मत बनो, संकीर्ण मत बनो, विशाल बनो। दरिया के किनारे रहते हो, दरिया नहीं बन पाए। ये कुरान संशोधन नहीं हुआ, अमेंडमेंट नहीं हुआ, शब्द तो शब्द है, एक नुक्ते का भी हेर फेर नहीं हुआ। इंजील भी अल्लाह का कलाम है, मगर 300-400 साल में बदल गई। जबूर और तौरात भी अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है, लेकिन उसमें भी संशोधन हो गया, अमेंडमेंट हो गया, कुरान में नहीं हुआ। आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ईसा मसीह के 300-400 साल के अंदर ही अंदर, वेसाल के, ईसा मसीह के आसमान पर जाने के बाद, मानने वालों ने, दावा करने वाले, मानने वाले होते तो काहे को तहरीफ करते, दावा करने वालों ने बदल दिया। वो जबूर आज दुनिया में नहीं है जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में थी, वो तौरात आज दुनिया में नहीं है जो हजरत मूसा के हाथ में थी, वो इंजील भी आज दुनिया में नहीं है जो हजरत ईसा के हाथ में थी, मगर वो कुरान आज भी है जो मुस्तफा के हाथों में था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेईमान उम्मत में भी बने, दुश्मने सहाबा उम्मत में भी बने, दुश्मने अहले बैत उम्मत में बने, दुश्मन बने, मगर हिम्मत नहीं थी कि कुरान में परिवर्तन ला सके। फतवे बदल गए, मोहब्बत का नाम शिर्क रख दिया, जो आपके अकीदत रसूल को बढ़ाए उसे बिदत कह दिया, भाषा बदल गई लेकिन कुरान नहीं बदल पाए। इसकी तो एक बहुत जाहिरी वजह है, बिल्कुल स्पष्ट है, लोगों को मालूम है, अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत को अपने जिम्मे करम में ले लिया। आई विल प्रोटेक्ट कुरान, अल्लाह ताला गिव डिसीजन, नोबडी कैन चेंज कुरान बिकॉज आई एम प्रोटेक्टर ऑफ कुरान। अल्लाह ही बचाने वाला है। अल्लाह ही कुरान का मुहाफिज है। तो जब निराकार बचा रहा हो तो आकार बदले कैसे, जब अनलिमिटेड बचा रहा है तो ये लिमिटेड बदले कैसे, जब कादिर और जाबिर बचा रहा है तो ये मजबूर बदले कैसे। जाहिर वजह है, एक जिस जलसे में ताजी अशरफी भी हो और ताज मोहम्मद भी हो, वहां तो बनती है। कि मैं वो बात बताऊं जो बैठे बैठे मुझे महसूस हुआ,
तौरात इसलिए बदल गई कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौरात दिया, अहले बैत नहीं दिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जबूर दिया, अहले बैत नहीं दिया। मेरे मुस्तफा ने कुरान भी दिया और अहले बैत भी दिया। कुरान का साथी नबी ने दिया, तौरात का साथी मालूम नहीं, जबूर का साथी मालूम नहीं, इंजील का साथी मालूम नहीं, कुरान का साथी गांव गांव को पता है, अहले बैते रसूल कुरान के साथी। तरक्तु फीकुम सकलैन, आई एम गिविंग यू टू वेटी थिंग, भारी दे रहा हूं, भारी चीजें दे रहा हूं, कुरान और अहले बैत। क्या मतलब? कुरान हमेशा अहले बैत के साथ, अहले बैत हमेशा कुरान के साथ, हौज़े कौसर तक साथ ही साथ। तो अब दोनों का बचना जरूरी है। अल्लाह बचा रहा है कुरान को, कुरान मिटेगा नहीं, रसूलुल्लाह बचा रहे हैं अहले बैत को, अहले बैत मिटेंगे नहीं। ये काटे तो जा सकते हैं, मिटाए नहीं जा सकते। तारीख गवाह है कि यजीदियत ने तय कर लिया कि हुसैन के चराग को गुल करना है, मगर दुनिया जानती है जैसे जैसे करबला में नस्ले हुसैन कटती रही, समाने में बहती रही, आज यजीद की औलाद ढूंढने से भी नहीं मिलती और बेढूंढे हुसैन की औलाद मिल रही है। कुरान का साथी अहले बैत को बनाया। हालांकि कभी कभी किसी के मन में आ सकता है और आना भी चाहिए कि रसूल पाक ने जो जमात बनाई, जमात सहाबा, टॉप क्लास की जमात। एक बताऊं आपको, अल्लाह ने जो जमात बनाई वो जमात अंबिया है, रसूलुल्लाह ने जो जमात बनाई वो जमात सहाबा है, और अल्लाह के वलियों ने जो जमात बनाई वो जमात अहले सुन्नत है। तो हम जमात अहले सुन्नत में हैं, आपस में बहस कर लेंगे, जमात अहले सुन्नत में हम हैं, आपस में बहस कर लेंगे, सहाबा पे उंगली नहीं उठाएंगे। वो जमात सहाबा में है, आपस में चाहे जो कर ले, जमात अंबिया पे उंगली नहीं उठाएंगे। तो जब सहाबा की जमात को अपना दर्जा मालूम तो सुन्नियों तुम ही जमात अहले सुन्नत तो अपना दर्जा जानो, अपनी हैसियत तय करो, अपनी हैसियत तय करो, तुम कौन होते हो सहाबा के बारे में फैसला करने वाले? किसी सहाबी को यह क्या हक है कि वह नबी के बारे में फैसला करे? नबी के बातें हैं, सहाबा हैं और उनके मातहत हम हैं। खुदा की कसम, 124,000 अंबियाए कराम आए, सबके पास जमात है, सबके पास उम्मत है, सबके सहाबा हैं, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत के सहाबा का जवाब नहीं। अगर सिद्दीक अकबर ढूंढोगे
तो ये मूसा के सहाबा में नहीं मिलेंगे, ईसा के सहाबा में नहीं मिलेंगे, ये आदम के सहाबा में नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो मुस्तफ़ा के सहाबा में मिलेंगे, फारूक आजम यही मिलेंगे, जुन्नूरैन यही मिलेंगे, हैदर कर्रार यही मिलेगा। मगर कुरान का साथी सहाबा को नहीं बनाया। सोचो बेहतरीन जमात, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, अद्वितीय, मैचलेस, बेमिसाल, आसमान ने ऐसी जमात देखी ही नहीं जो मदीने में सरकार ने बना दी। कुरान का साथी ने नहीं बनाया। एक हल्की सी नजर सहाबा पर, मेरे नबी ने सहाबा का परिचय कराया, सहाबा के बारे में बोलने से पहले हमको अल्लाह से डराया, अल्लाह अल्लाह फिया सहाबी, मेरे सहाबा के बारे में बोलने से पहले अल्लाह से डरो। हमें कहा दीन में बादी अबू बकर उमर, मेरे बाद दीन में अबू बकर उमर की पैरवी करो, मगर साथी नहीं बनाया। अथाबी का नजूम पे यही मेहतदैतुम मेरे सहाबा, नजूम हिदायत के सितारों के मानिंद हैं, साथी नहीं बनाया। बद्र उहुद खैबर खंदक में जिसने इस्लाम का झंडा बुलंद किया वो सहाबा।